नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल फिनोलॉजी मार्केट में। फिनोलॉजी मार्केट में दोस्तों हम लोग जो है स्टॉक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और एडवाइस देते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री रहता है। अगर आपको स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है इसमें दो तीन स्टॉक के बारे में, बैंक के बारे में या फिर डिश टीवी के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आपको इसमें मुनाफा भी मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों डिश टीवी के बारे में शायद आपको पता रहेगा, डिश टीवी तो आप लोग यूज़ भी करते रहेंगे। तो डिश टीवी के बारे में जो है एक न्यूज़ आया है और एक बड़ा सा बैंक डिश टीवी को जो है अधिग्रहण करने चला है। तो उसके चलते जो है हम लोग इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे डिश टीवी के बारे में। और यहाँ पे जो बैंक है उसको मतलब अधिग्रहण कर रहा है, उसका जो रेवेन्यू है वो आपको इस वीडियो में दिखाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और उस बैंक का आप ग्राफ भी यहाँ पे देख सकते हैं, बैंक में कितना अभी स्टेक में सेल हो रहा है दोस्तों। तो ये जो बैंक है ये आपको पता रहेगा, ये यस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। यस बैंक जो कुछ दिन से जो है बहुत न्यूज़ में है, और यस बैंक ऐसा एक बैंक है जिसका स्टॉक हमेशा से ही न्यूज़ के चलते अप एंड डाउन होता है। तो यस बैंक जो है डिश टीवी में अपना हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले येस बैंक आप भी हुआ था। तो येस बैंक अगर मतलब कुछ न्यूज़ आता है तो ज़रूर उसमें जो है आपको अच्छा न्यूज़ आता है तो आप ट्रेंड दिखने को मिलता ही है येस बैंक में। तो हो सकता है कि एक या दो दिन में आपको येस बैंक में आप ट्रेंड दिखने को मिले और डिश टीवी में भी आपको पैसा बनाने का मौका मिल जाए दोस्तों। तो अभी हम लोग जो है ये वीडियो में येस बैंक और डिश टीवी का जो कंपैरिजन है ग्राफ के द्वारा वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि मतलब वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी देखिए ये जो आपको ग्राफ दिखा रहा है दोस्तों, ये येस बैंक का ग्राफ है। आपको अगर आप कुछ साल का देखेंगे ग्राफ तो येस बैंक का देखेंगे करीबन 300-400 रुपए में ट्रेड हुआ था येस बैंक। वही प्राइस जो है अभी बहुत ही कम रुपए में मिल रहा है आपको, 26 रुपए में एक स्टॉक मिल रहा है येस बैंक का, जो कि बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। मतलब ये स्टॉक अगर कभी मतलब 90-100 रुपीस गया तो आपको जो है अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा, करीबन 80-90 रुपीस का। तो अभी आप इसमें अगर देखते हैं कि येस बैंक में क्या न्यूज़ आया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आया है। येस बैंक ने डिश टीवी की 24% हिस्सेदारी अधिग्रहण किया है, कर लिया है ऑलरेडी दोस्तों। येस बैंक ने जो है डिश टीवी का 24% हिस्सेदारी खरीद लिया है। बैंक ने कहा कि डीटीएच सेवा प्रदान कंपनी डिश टीवी तथा कुछ अन्य कंपनी ने ये शेयर कर्ज के अवज में गिरवी रखे थे। मतलब ये जो शेयर है डिश, ये बताया जा रहा है इस बैंक की ओर से, डिश टीवी और ऐसे बहुत सारे कंपनी है ये जो शेयर्स है ये कर्ज के तौर से गिरवी रखा था येस बैंक के पास। तो हो सकता है ऐसा कि डिश टीवी ने जो है वो अमाउंट नहीं दिया येस बैंक को, उसके चलते येस बैंक ने उसमें जो है अपना अधिग्रहण ले लिया है दोस्तों। कर्ज के भुगतान में चूक करने के कारण इन शेयरों का अधिग्रहण किया गया है, ये येस बैंक से क्लियर इन्फॉर्मेशन आ गया। मतलब डिश टीवी ने जो है उसका हिस्सेदारी जो है 24% इसके लिए दिया येस बैंक को, क्योंकि उन्होंने जो अपना कर्जा नहीं चुकाया येस बैंक को से जो पैसा लिया था। निजी क्षेत्र के येस बैंक ने डिश टीवी के 24% से अधिक हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की शनिवार को जानकारी दे दिया है। बैंक ने कहा कि डीटीएच सेवा प्रदान कंपनी डिश टीवी तथा कुछ अन्य कंपनियां भी इसमें आप देखेंगे तो वो लोग भी शामिल है जो शेयर कर्ज के हिसाब से उन्होंने गिरवी रखा था येस बैंक के पास। जैसे ही उनका जो है कर्ज नहीं चुका पाए तो येस बैंक ने वो शेयर जो है उसमें ले अपने इसमें डाल दिया, मतलब उन लोगों ने अधिग्रहण कर लिया येस बैंक ने। कर्ज के भुगतान में चूक के कारण इन शेयरों का अधिग्रहण किया गया है, अगर आप आसान भाषा में देखते हैं दोस्तों। बैंक ने शेयर बाजारों को बताया कि 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है डिश टीवी का। उसने कहा है कि ये नंबर आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, येस बैंक ने कहा है कि 44.53.48.998 शेयर लिया है। 24.19% शेयर मतलब 44.53
48.990 शेयर येस बैंक ने लिया है डिस्टीवी से। डिस्टीवी इंडिया लिमिटेड के दिए गए कर्ज के समय पर भुगतान नहीं होने के कारण ही जो है येस बैंक ने इतना बड़ा कदम उठाया दोस्तों। तो येस बैंक का आप देख सकते हैं कि कर्ज देने के बारे में जो है बहुत ही मतलब दिलदार आदमी येस बैंक। आप देख सकते हैं इसके पहले जो बड़े बड़े कंपनीज है अनिल अंबानी से लेकर और बड़े बड़े कंपनीज है, उन लोगों को जो है येस बैंक ने बहुत अच्छा खासा कर्ज दिया है। और बहुत टाइम ऐसा भी पता चला दोस्तों कि कर्ज उसके बाद जो है लेने के लिए भी कुछ ये नहीं किया गया येस बैंक से, मतलब प्रक्रिया फॉलो नहीं किया गया कि कैसे वो कर्ज उठाए येस बैंक जिन लोगों को कर्ज दिया है। बट ये समय जो है येस बैंक ने एक अच्छा डिसीशन लिया जो डिश टीवी से जो है इन लोगों ने कर्ज ना देने के कारण 24.19% शेयर अपने पास ले लिया है। तो ये देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है येस बैंक की ओर से को जो है दोस्तों। ये कदम जो है हर एक बैंक के लिए या फिर हर एक इंस्टीट्यूट के लिए उठाना चाहिए था जिन लोगों ने येस बैंक से कर्ज लिया है और वो नहीं चुकाया। तो बट येस बैंक ने शायद से वो नहीं किया है दोस्तों। बट आगे चल के मतलब अभी इस वीडियो में आपको और भी बताना चाहेंगे कि और भी कौन से इंस्टीट्यूट ने येस बैंक से कर्ज लिया है और उसमें चुकाया नहीं है। तो उसके पहले आपको बताना चाहेंगे येस बैंक का जो को फाउंडर रह चुके मिस्टर राणा कपूर का अगर आप देखेंगे दोस्तों, उनको जो है ईडी ने भी गिरफ्तार किया था। ईडी ने गिरफ्तार करने के बाद जो है उनसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकाला गया और राणा कपूर जी के जो वाइफ है उनके बारे में भी बहुत उनका भी उनसे भी जो है बहुत मतलब जांच पड़ताल किया गया है येस बैंक के बारे में। क्योंकि क्या हुआ है येस बैंक में जो आप देखेंगे दोस्तों लाखों करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है जो ईडी येस बैंक स्कैम के नाम से भी आता है दोस्तों। तो उसमें जो है वो पैसा क्यों दिया गया, कौन से इन्वेस्टर को दिया गया और उसका क्या प्रक्रिया फॉलो किया गया वो भी जो है ईडी के द्वारा जांच पड़ताल में ट्राई किया गया इन्फॉर्मेशन लेने का। तो उसमें से जो बड़े बड़े लोग हैं जो अभी येस बैंक में नहीं है उन लोगों ने जो है बहुत सारा चीज़ जो है राणा कपूर के ऊपर छोड़ दिया है कि राणा कपूर ने शायद मतलब का पास शायद और भी इन्फॉर्मेशन रहेगा इस बारे में। तो ईडी ने जो है राणा कपूर से भी पूछताछ किया है दोस्तों। तो जितना इन्फॉर्मेशन हो सके ईडी कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है येस बैंक के बारे में निकालने के लिए। तो येस बैंक अगर आपको पता रहेगा कुछ दिन पहले जो है येस बैंक का जो ऑपरेशन भी जो है बंद किया गया था, स्टॉप किया गया था कुछ समय के लिए। उसके बाद कुछ ही दिन के अंदर जो है येस बैंक को जो दोबारा जो है मार्केट में फिर से चालू कर दिया गया है, उसका कामकाज रिज्यूम कर दिया गया है येस बैंक का। बैंक को जो है अगर वो फिर से जो है अपना शक्ति बढ़ते दोस्तों ऐसा बहुत सारे कंपनी का नाम सामने आएगा जिनका हो सके कि शेयर जो है येस बैंक के बाद चला जाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनी का नाम अभी इस वीडियो में हम लोग आगे बताने वाले हैं आपको जिस कंपनी ने येस बैंक से जो है कर्ज लिया है बट वो चुकाया नहीं है। उसके पहले दोस्तों आपको येस बैंक का थोड़ा फंडामेंटल समझने आना चाहिए और इसका थोड़ा जो है इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए दोस्तों। येस बैंक का आप कभी भी स्टॉक देखेंगे दोस्तों तो करीबन जो है 19 रुपये 18 रुपये से फिर से दोस्तों ये स्टॉक है अभी 26 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो येस बैंक में अगर आप पहले से ट्रेड नहीं किया है तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, येस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो कभी भी न्यूज़ के चलते ये स्टॉक में मूवमेंट आता है। मतलब अच्छा न्यूज़ आया तो ये स्टॉक जो है बढ़ने ही वाला है दोस्तों। ये जो है अभी से नहीं मतलब ये बहुत पहले से येस बैंक में ऐसा ही चल रहा है और इसमें जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर ने जो है पैसा भी लगाया है येस बैंक में तो उनके मुनाफे के लिए। तो येस बैंक का अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलेगा जो येस बैंक में पैसा डाल के रखे हैं। तो यहाँ पर जो है येस बैंक का जो को फाउंडर है राणा कपूर, जब इनको ईडी ने गिरफ्तार किया है कि उन्होंने जो है उसके पहले ही येस बैंक से जो है अपना जो है रेजिग्नेशन थमा दिया था येस बैंक को। उसके बाद मिस्टर गिल आए थे तो येस बैंक को जो है सुधरने के लिए बहुत सारे कोशिश भी किए गए थे और ऐसा भी बताया गया था कि बाहर के कुछ कंपनीज है येस बैंक में शायद $8 million वो लोग इन्वेस्ट करने वाले, बड़े बड़े ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स का मतलब इन्फॉर्मेशन आया था बट नाम जो है उन लोगों का खुल के सामने नहीं आया था। उस समय भी आप देखेंगे दोस्तों येस बैंक जो है करीबन 10-15% जो है आप देखेंगे उसमें मुनाफा दे रहा था अपने इन्वेस्टर्स को मतलब एक डेढ़ हफ्ते में। तो येस बैंक का जो है ऐसा ही हमेशा हिस्टोरिकल आप देखेंगे येस बैंक हिस्टोरिकल डाटा तो हमेशा ऐसा दिखता है दोस्तों। तो अभी इसमें रेवेन्यू भी आप देखेंगे 2020 का तो येस बैंक का आप देख सकते हैं। और येस बैंक का अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आया था कि येस बैंक में जो है SBI से लेकर ऐसे बड़े बड़े कुछ बैंक्स जो है येस बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे राजी हुआ है उसी के बाद येस बैंक का जो है कामकाज फिर से जो है चालू कर दिया गया है दोस्तों। येस बैंक में ऐसे इन्वेस्ट करने के लिए SBI
और एक्सिस बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक सामने आए हैं और अपना जो है मतलब इंटरेस्ट दिखाया कि येस बैंक में वो लोग इन्वेस्ट करने वाले। जैसे कि आपको वीडियो के शुरू में मैंने बताया था, इसमें कोशिश करेंगे इस वीडियो में येस बैंक और डिश टीवी के बारे में ग्राफ का कंपैरिजन दिखाने के लिए। दोस्तों यही पे दिख रहा है, जो आपको रेड कलर में ग्राफ दिख रहा है वो है डिश टीवी का, जो आपको ब्लू कलर में ग्राफ दिख रहा है वो है दोस्तों येस बैंक का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ऐसा मतलब आया है कि कुछ समय आप देखेंगे, ये देखिए येस बैंक का ग्राफ जो है कंटिन्यूसली अप हो रहा था, तभी डिश टीवी का ग्राफ जो है डाउन हो रहा था। तो ऐसा भी कुछ समय आया है कि येस बैंक का स्टॉक जो है डाउन हो रहा था, डिश टीवी का स्टॉक जो है अप हो रहा था। तो दोनों स्टॉक का आप अगर देखेंगे तो एक मतलब आप बोल सकते हैं कि कंपटीटर है। तो बट अभी के अगर समय में देखते हैं तो येस बैंक जो है डिश टीवी से हो सकता है कि बहुत एक बढ़िया मतलब शानदार ये दिखे, और हो सकता है कि आपको दोस्तों डिश टीवी जो है अभी अच्छा प्राइस में ट्रेड करने को दिखने को मिले आपको शेयर मार्केट में। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए जो है ये अच्छा एक मौका रहेगा डिश टीवी में इन्वेस्ट करने का। और येस बैंक आपको पता है कि बहुत सारे ऑलरेडी इन्वेस्टर्स है, तो हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए येस बैंक भी आपको थोड़ा बहुत रिटर्न दे सके। बैंक और डिश टीवी जो है दोनों आपके लिए बढ़िया इन्वेस्टर के हिसाब से साबित हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं इसमें तो अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है लोग को। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमेशा हम लोग बोलते हैं कि कोई भी स्टॉक लेने से पहले या फिर बेचने से पहले आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे एक बार ज़रूर बात कर लीजिए। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कर दीजिए।